गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड हमारा टॉपिक है कर्सिव लेटर्स, स्मॉल कर्सिव लेटर्स। कैपिटल लेटर्स मैं आपको करवा चुकी हूँ और हम लोग अब स्मॉल लेटर्स जो हैं उनको लिख रहे हैं। तो मैंने आपको मैंने आपको एच तक अल्फाबेट्स कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम लोग एच के बाद आई जे के एल फोर अल्फाबेट्स आज फिर से लिखने वाले हैं। एक एक अल्फाबेट्स बेटा मैं आपको करवा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपनी फेयर कॉपी में करें, अपनी कॉपीज को चेक करवाएं। ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, बहुत से बच्चे करवा के गए हैं जिनकी कॉपीज अभी तक मेरे पास नहीं आई है, प्लीज कॉपीज को लेकर आए मेरे पास में, ठीक है। तो चलिए स्मॉल कर्सिव लेटर्स मैंने एच तक आपको लिखा दिया है, आज मैं आपको लिखवा रही हूँ आई जे के एल। ओके, तो आज हम लोग लिखने वाले हैं आई से आई टू एल। ओके, आई जे के एल, हम एल तक आज कर्सिव लेटर्स लिखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने से पहले रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं जो हम लोग लिख चुके हैं। तो सबसे पहले ए, नीचे से आपको स्टार्ट करना है स्ट्रोक लगाते हुए, ए बी स्ट्रोक लगेगा, देन मूव बी, फिर से स्ट्रोक लगाना है सी, पेंसिल को बिल्कुल नहीं उठाना है, और डी। नेक्स्ट देखिए ए बी सी डी, अब क्या लिखना है आपको बेटा, ई एफ, बिल्कुल स्ट्रेट जाएं, फोर नंबर की लाइन पे वापस आएं, अंदर मूव करें और बाहर निकल जाएं, ये है एफ। ओके, एफ जी स्ट्रोक लगेगा, एच, ओके। तो हम लोगों ने एस तक अल्फाबेट्स जो है वो लिख लिए थे, आज मैं आपको लिखा रही हूं आई। तो आई कैसे लिखेंगे देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर लाइन, ओके, फोर लाइन जो वाली आपकी इंग्लिश की कॉपी है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड मिडिल लाइन में हम लोग स्मॉल लेटर्स को लिखते हैं, तो हम कर्सिव लेटर्स भी यहीं से लिखेंगे। तो सबसे पहले कर्सिव लेटर्स में हम लोग क्या लगाते हैं, स्ट्रोक। तो हम लोग लिखेंगे आई, तो देखिए यहां से आपने स्ट्रोक लगाया, आपने यहां से टर्न किया, देन आई, ठीक है। तो ये है आई, आई को कैसे लिखना है, अब इसे हम अपने प्लेस पे रखते हैं, कैसे रखेंगे देखिए, स्ट्रोक बिल्कुल स्ट्रेट, टर्न आई, ठीक है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है वो लिखते हैं ये, ऐसा नहीं लिखना है हमें, बिल्कुल स्ट्रोक लगाएंगे, देन बिल्कुल स्ट्रेट आई, ठीक है। ये है आई, जिसको आप बोलते हैं आई फॉर आइसक्रीम, अब हम बोलेंगे आई क्योंकि हम लोग आ चुके हैं एच के जी क्लास में, ठीक है। आप लोग एच के जी में है, अब आप एल के जी में नहीं है। तो देखिए हो चुका, लिख लिया है हमने आई, अब हम लिखेंगे जे। जे कैसे लिखते हैं बेटा देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर की लाइन से आप लोग लिखेंगे, यहां से आपने लिखा है, फिर आप यहां नीचे आए, देन आपने मूव किया, ये आपका जे, ठीक है। क्या है ये जे, फिर से देखिए यहां से आपने स्ट्रोक लगाया, देन मूव किया, टर्न किया, और जे, ओके। कैसे लिखेंगे देखिए, प्लेस पे रखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर की लाइन से आपने स्ट्रोक लगाया, देन मूव किया, और ये है जे, ओके। आई जे, अब हम क्या लिखने वाले हैं के, तो देखिए कैसे लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर लाइन, के कैसे लिखोगे आप, स्ट्रोक लगाएंगे जैसे हमने बी में स्ट्रोक लगाया है वैसे ही आपको स्ट्रोक लगाना है। यहां से आपने स्ट्रोक लगाया, मूव किया, और स्मॉल लाइन, स्मॉल टू लाइन में आपने बनाया है के, ठीक है। तो ये है के, अपने प्लेस पे रखते हैं, टर्न बी की तरह टर्न करना है, यहां से, सॉरी मैंने पेंसिल उठा लिया है, दोबारा देखें, यहां से आपने टर्न किया, देन मूव किया, वापस आप गए, और यहां से आपने लिखा है के, ओके। हमने क्या लिख लिया है आई जे के, अब क्या लिखेंगे हम एल, वेरी सिंपल, कैसे लिखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर लाइन स्टार्ट किया,
स्ट्रोक लगाया, देन मूव बिल्कुल स्ट्रेट आके आपको टर्न करना है। ये है एल, अपने प्लेस पे रखते हैं, दो बार नहीं लिखते क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसलिए फर्स्ट टाइम में ही लिख लेंगे हम लोग। यहाँ से हमने स्ट्रोक लगाया, देन मूव किया, बिल्कुल स्ट्रेट आप आए और ये है एल। ओके, तो हमने ये अल्फाबेट्स लिख लिए हैं। देखिए रिवाइज करते हैं, आई जे के एल। ओके, आई जे के एल। ओके, तो ये जो वर्क है बेटा वो आपको अपनी इंग्लिश की फेयर कॉपी में करना है। आपको वन लाइन लीव करते हुए फर्स्ट लाइन एक लाइन आप छोड़ देंगे, आई की प्रैक्टिस करेंगे, फिर वन लाइन छोड़ देंगे, फिर आप आई की प्रैक्टिस करेंगे, फिर वन लाइन आप छोड़ देंगे और आप आई की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको इस तरीके से सिंगल सिंगल अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस करते जाना है और ये पेज आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये इंग्लिश का वर्क है, आपको इंग्लिश की कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके।